दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रांजिमिक्स न्यूज में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाले नौकरों की सैलरी कितनी है। हमारे देश भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मुकेश अंबानी के बारे में पता नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोग मुकेश अंबानी को नहीं जानते थे, लेकिन जब से इन्होंने जियो सिम और जियो फोन लॉन्च किया है तब से हर एक व्यक्ति इनको जानने लगा है। जियो के लॉन्च के बाद मुकेश अंबानी को शोहरत के साथ दौलत भी मिली है, क्योंकि मार्केट में जियो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। आपको बता दे, अंबानी परिवार को उनके दौलत के लिए जाना जाता है। अंबानी परिवार का नाम दुनिया के टॉप 50 अमीर परिवार में आता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं कि मुकेश अंबानी के घर में काम कर रहे नौकरों की तनख्वाह कितनी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने अमीर आदमी के घर के नौकर की सैलरी कितनी होगी। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का परिवार भारत के सबसे महंगे घर में रहता है, जिसका नाम एंटीलिया रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस घर में अंबानी रहते हैं उस घर की कीमत 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। अब इतने महंगे घर का ख्याल रखने के लिए लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही। आपको बता दे, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया 27 मंजिला बिल्डिंग है, जिसकी देखभाल के लिए तकरीबन 600 लोग लगे हुए हैं। एंटीलिया नाम की ये बिल्डिंग मुंबई में अल्टा माउंट रोड कुंबाला हिल पर स्थित है। दोस्तों, इस घर की सबसे खास बात यह है कि यह इतना ऊंचा होते हुए भी 8 रेक्टर स्केल के भूकंप के झटकों को झेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 8 रेक्टर स्केल के भूकंप के झटकों को झेल सकता है एंटीलिया। इस घर के सुरक्षा में हर महीने 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस घर को जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई है, जिसके लिए RPF की मदद ली जाती है। मुकेश अंबानी की सबसे खास बात ये है कि अपने घर के नौकर को नौकर ना समझते हुए अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उनसे उसी तरह बात करते हैं जिस तरह वे अपने परिवार से बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुकेश अंबानी के घर में करीब 600 लोग लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने लोगों की सैलरी कितनी होगी। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के घर में काम कर रहे नौकर की सैलरी पहले 6,000 रुपए महीना हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, पहले मुकेश अंबानी के घर में काम कर रहे लोगों की सैलरी 6,000 रुपए महीना हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन वह लोग अब महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं मुकेश अंबानी के घर में काम कर रहे नौकर। दोस्तों आपको बता दे, उनके घर में काम कर रहे लोगों को कई और सुविधाएं भी मिल रही है, जैसे अच्छी शिक्षा और जीवन बीमा आदि। इसके अलावा हर नौकर या कर्मचारी के 2 बच्चों को अमेरिका में पढ़ने का मौका भी मिलता है। अब अच्छी खासी सैलरी और इतनी सारी सुविधाओं को देखते हुए हर कोई मुकेश अंबानी के घर में काम करना चाहेगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुकेश अंबानी के घर में काम करने के लिए क्या करना होगा और उसके लिए क्या पढ़ाई चाहिए, क्योंकि महीने के 2 लाख रुपए देना कोई आम बात नहीं। चलिए हम ये भी बता देते हैं, मुकेश अंबानी के घर में काम करने के लिए एक खास रिटन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें होटल मैनेजमेंट से लेकर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी टेस्ट में पास हुए लोगों को ही मुकेश अंबानी के घर में नौकरी मिल सकती है, वरना उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। आपको बता दे, मुकेश अंबानी के पूरे परिवार का खाना बनाने के लिए फेमस ओबेरॉय होटल से शेफ बुलाया जाता है, और इस घर में विशेष रूप से केवल भारतीय खाना ही बनता है, लेकिन गेस्ट के पसंद के अनुसार भी भोजन का पूरा प्रबंध रहता है। यहाँ पर आपको बता दे, अगर मुकेश अंबानी के घर में नौकरों की जरूरत होने पर अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और जो उसमें पास हो गया उसकी किस्मत खुल गई।
मुकेश अंबानी के घर के नौकर की सैलरी कितनी है अब आप जान गए होंगे। तो क्या आप भी मुकेश अंबानी के घर में काम करना चाहेंगे या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक वीडियोस लेकर आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं। देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।